नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लकी मरकाम और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल ब्यूटीफुल बस्तर फैक्ट में। दोस्तों आज आया हूँ मैं नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में और साथ में हमारे बस्तर के सुपरस्टार भाई दुर्गेश मानिकपुरी जी हैं और साथ में जय जोहार जय बस्तर और साथ में अपना आशीष भाई है, हमेशा देखते रहते हो वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग आप लोगों को यहाँ के रामकृष्ण मिशन का आश्रम को दिखाएंगे, ये मंदिर परिसर को दिखाएंगे, एक एक छोटा छोटा सीन्स को दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो पे और इस वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रामकृष्ण प्रार्थना भवन का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे रोड में और इस तरफ देखेंगे तो रामकृष्ण मिशन का प्रार्थना भवन दिखेगा और यहाँ पे काफ़ी अच्छा से बागानी किया गया है। यहाँ पे देखिए फोटो प्रदर्शनी एवं साहित्य क्रय केंद्र यहाँ अंदर में है और इधर पूरा बागान किए हैं। यहाँ देखेंगे तो एक मतलब विभिन्न प्रकार के फूल मन है यहाँ पे, ये देखिए। और कहीं पर लिखा हुआ होगा कि यहाँ पर फूल उल को नहीं तोड़ना है, ना ही छूना है। तो आप लोग आएंगे तो यहाँ पर फूल उल को नहीं तोड़ेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए, ये सामने है, ये प्रार्थना भवन है ऊपर में और नीचे है पुस्तकालय और ये सामने फवारा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा फूल, कमल फूल बोलेंगे ना इसको, ये कमल फूल लगाया गया है यहाँ पे और ये फवारा चालू होता है तो काफ़ी अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, लुभावना दिखता है। तो इसे कहते हैं प्रार्थना भवन। चलो आगे दिखाते हैं आप लोगों को, एक्सप्लोर करवाएंगे इधर बाजू में क्या है और इधर का सीन्स क्या है आप लोगों को दिखाएंगे। प्रार्थना भवन की इस तरफ जा रहे हैं हम लोग, बाएं तरफ इधर से दिखाएंगे आप लोगों को। और ये नीचे है ग्रंथालय मतलब पुस्तकालय और यहाँ पे कुछ कुछ बुक्स भी बेचे जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा अच्छा है। ये देखिए चित्र प्रदर्शनी 8 से 12 और 3 से 6 खुला रहता है। ये देखिए यहाँ पे फूल में पानी डाल रहे हैं भैया लोग। हाँ ये वाला सीन काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। हाँ यही वाला सीन था ना। हाँ हाँ वाह, काफ़ी अच्छा सीन था, आया था लेकिन इधर मैं नहीं आया काफ़ी अच्छा। दोस्त लोग के साथ हैं यहाँ पे, दिखा रहे हैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। ये देखिए दुर्गेश भाई है, आशीष भाई है। आपका क्या नाम है भाई? रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप भाई यहीं पे रहते हैं, यहीं पे ड्यूटी करते हैं और यहाँ के बारे में भाई आप लोगों को जानकारी देंगे, साथ में घूम रहे हैं बता रहे हैं भाई क्या क्या है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं इधर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. प्रार्थना भवन के पीछे इस तरफ ऐसे मतलब पीछे तरफ इस प्रकार से सीन देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा कारीगरी करके बनाया गया है इस भवन को, काफी लुभाना है। जी जी अच्छा, सुबह 8 से 12 शाम को 3 से 6 जी जी, इसको आप देख सकते हैं। और ये बहुत महंगी महंगी है, कुछ 200 रुपये की है, कुछ 300 रुपये की है जी, है ना जी। इधर पीछे लाइब्रेरी है, कोई तो पुस्तकें 15 दिन के लिए घर ले जा सकते हैं। अच्छा
लिखवा के इसमें 150 रिफंडेबल सिक्योरिटी है, वापस हो जाते हैं जी जी। और वार्षिक तौर पर केवल हम 70 रुपया रजिस्ट्रेशन का लेते हैं जी जी। अच्छा, हमारे पास स्कूलों के बच्चे आते हैं ना जी, तो हम उनको पहली शिक्षा यहाँ से देते हैं। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान है। ऐसे उन देखो ये तीन बार क्या कह रहे जी। मतलब यहाँ पे आके बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं जो भी यहाँ से पढ़ना चाहते हैं ना। 200 रुपये है जी सालाना वार्षिक जी जी। इसी 200 रुपये को आप यहाँ बैठिए पढ़िए जी, जो आर्टिकल अच्छा लगता है उसको आप फोटो दीजिए जी। अच्छा जी, रामकृष्ण मिशन आश्रम में लाइब्रेरी व साहित्य केंद्र की सुविधा भी उपलब्ध है। जो भी यहाँ पे स्टडी करने आते हैं उसे अपने जानकारी और साइन करना होता है, तब यहाँ पे स्टडी आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी बुक्स उपलब्ध हैं, जैसे कि वास्तविक जीवन कैसे जिया जाए, समाचार पत्रिका, घटना चक्र, विद्यार्थी जीवन से संबंधित आदि सभी प्रकार के पुस्तक उपलब्ध हैं। और इस तरफ राधा कृष्ण जी की जीवन परिचय आत्मकथा का सचित्र वर्णन देखने को मिलेगा। और इस तरफ स्वामी विवेकानंद जी की आत्मकथा सचित्र वर्णन देखने को मिलेगा। बचपन से लेकर महापुरुष बनने की आत्मकथा लेख सचित्र वर्णन यहाँ पे मिलेगा। यह ग्रंथालय काफ़ी बड़ा है। इस तरफ देखेंगे तो स्वामी जी के सेवा कार्य की झलक देखने व पढ़ने को मिलेगा, जैसे बालक नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने की सफ़र, बालक नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने का सफ़र, आत्मा से परमात्मा बनने का सफ़र। यहाँ पे आकर काफ़ी शांति और प्रसन्नता महसूस हो रही है। जरूर यहाँ पे आइए, यहाँ की सुंदरता को देखिए और यहाँ पे लाइब्रेरी ग्रंथालय में आइए और यहाँ पे सत्साहित्य का अध्ययन कीजिए। आपके जीवन में जरूर परिवर्तन होगा और वास्तविक जीवन जीने की राह पर चल पड़ोगे। लाइब्रेरी में काफ़ी विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी शांत माहौल रहता है, सभी अपने अध्ययन में मगन रहते हैं। यहाँ पर अपने जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकों बहुउपयोगी पुस्तक मिलेगी। पुस्तक की कीमत काफी सस्ता है, 2-4 रुपए से पुस्तक की कीमत प्रारंभ होती है। अब हम जा रहे हैं प्रार्थना मंदिर परिसर। प्रार्थना मंदिर परिसर का हॉल काफी बड़ा है, यहाँ पर सुबह शाम प्रार्थना किया जाता है। प्रार्थना मंदिर परिसर में वीडियो बनाना तथा फोटो खींचना वर्जित है, पर हम परमिशन लेके आप लोगों को जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। प्रार्थना भवन के ऊपर से सामने का परिसर काफी खूबसूरत, बहुत ही मन मोह लेने वाला दृश्य देखने को मिलता है। प्रार्थना मंदिर काफी सुंदर है, यह नारायणपुर का स्वर्ग कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का परिवेश, सौंदर्य, शांत वातावरण मन को मोह लेता है, मन पुलकित होकर खुशी से नाचने लगता है। रामकृष्ण मिशन आश्रम की एरिया काफी बड़ा है। इस परिसर में स्कूल, खेल ग्राउंड, गार्डन, स्टेडियम, हॉस्पिटल, राशन दुकान, क्वार्टर, बच्चों के लिए हॉस्टल, कोचिंग सेंटर आदि कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।
रामकृष्ण मिशन आश्रम का एरिया काफ़ी बड़ा है, बहुत सारा चीज़ है जो हम अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, एक एपिसोड में नहीं हो पाएगा। यदि आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तो आप लोगों को अन्य चीज़ों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जैसे कि साइंस पार्क, स्टेडियम, ITI परिसर, खेल ग्राउंड, अन्य काफ़ी और खूबसूरत नज़ारा अगर दिखाना बचा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। यदि आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो और जानकारी लेना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बाकी की जानकारी हमारे वेबसाइट beautifulbastarfact.com में भी विजिट कर, वहाँ पे काफ़ी विस्तार से जानकारी दिया गया है और वहाँ पे फ़ोटो भी HD क्वालिटी में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर फ़ोटो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। Bye.